स्थित एवं दराड़े परिवार के युवक को अपहरण के आरोप में झूठा फंसाने के मामले में बीते दिन एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई, जिसमें आरोपित अंगूर के पिता ने अपनी दलीलें मीडिया के सामने रखी। सत्यनारायण यादव निवासी सखीपुरा ने बताया कि उनके पुत्र अंकुश उर्फ राजा यादव के नाम से देवास गेट थाने में अपहरण का जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह सरासर झूठा है और अपहरणकर्ताओं सहित पीड़ित से उनके पुत्र का दूर दूर तक कोई संपर्क भी नहीं है। मामले में पीड़ित ने पुलिस से जांच करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि सुराणा का अपहरण ऋतुराज होटल देवास गेट से किए जाने की जानकारी जब अखबारों के माध्यम से मिली, जिसमें उनके बेटे का नाम भी अपहरणकर्ताओं के साथ था। उन्होंने ऋतुराज होटल और उसके आसपास के फुटेज की जांच की तो उनका बेटा कहीं भी नजर नहीं आया। उनका कहना था कि घटना के समय उनका पुत्र वहाँ तो क्या आसपास कहीं भी मौजूद नहीं था। सपनेश के अपहरण के आरोप में सानू बना रोशन शर्मा राजा एवं एक अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि राम चतुर्वेदी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, जो पीले रंग की बाइक पर बैठकर सपनेश का प्रण कर ले जाते हुए फुटेज में दिख रहा है। उल्लेखनीय है कि सपने से राम चतुर्वेदी, सानू बना रोशन आपस में दोस्त हैं, जबकि मेरे पुत्र अंकुश राजा का किसी से भी कोई संबंध नहीं है और पूर्व में सपने का उसके दोस्तों से डिवाइन वैली पर विवाद हुआ था। डिवाइन वैली एवं उसके दोस्त सिगरेटबाजी करते हैं। मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल को उन्होंने अवगत कराया, जिस पर उन्होंने डीजीपी भोपाल को जांच हेतु एक पत्र लिखा है। साथ ही पुलिस महानिरीक्षक एसपी उज्जैन थाना प्रभारी देवास गेट को भी आवेदन देकर सही स्थिति से तत्काल अवगत कराया। उन्होंने बताया कि समूचे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेसी नेता गोपाल यादव की अगुवाई में बीजेपी से भोपाल भेंट करने रवाना हो चुके हैं। घटना में अंकुश यादव का नाम जबरिया तौर पर जोड़ा गया है। इसका मंजूर क्या है? बुरा एक सपनेश गुराना नामक युवक है, उसका अपहरण हुआ था देवास गेट होटल के यहाँ से। उस संबंध में अंकुश यादव राजा नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है FIR, जहाँ वो हमारा भाई है, उसका कहीं कोई संबंध नहीं है उनसे, ना CCTV फुटेज में दिख रहा है, ना कॉल डिटेल में दिख रहा है वो कहीं से कहीं का। जो आरोपी है वो पीले रंग के पल्सर और वाइट एक्टिवा से आए थे वहाँ पर। मैं जो पल्सर चला रहा है पीली कलर की, उसका नाम है राम चतुर्वेदी और राम की जगह राजा लिखाया गया है और पूर्व में भी उससे अंकुश यादव राजा का इन ना आरोपी से ना फरियादी से किसी के प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। और ये लोग उल्लेखनीय है कि सुनने में आया ये डिवाइन मिल में बैठते हैं, ये आपस में दोस्त हैं। स्वप्नेश, रोशन शर्मा, शानू बना, राम चतुर्वेदी, ये सब आपस में दोस्त हैं, ये डिवाइन मिल में बैठते हैं, सिगरेट चाय पीते थे। इनका पूर्व में भी एक विवाद हुआ था 20-25 दिन पहले, शायद उसी को लेकर यह घटना हुई होगी। पर इस बीच में अंकुश यादव राजा कहीं भी CCTV फुटेज में दिख रहा है, होटल वाली उसको ले जाते हुए वाली कहीं भी नहीं है। ये पाँचों ही दिख रहे हैं, एक स्वप्नेश बुराना जो फरियादी है और चार जो इनके खिलाफ जो आरोपी है। पुलिस से बात हुई तो क्या बताया? पुलिस से बात हुई थी, उन्होंने हमें जब मालूम पड़ा अवगत कराया तो हमने फिर आवेदन दिया वापस जांच का। एसपी साहब ने जांच के लिए हमें बोला है, आश्वासन दिया है सब अच्छा होगा और वो जांच कर रहे हैं। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।